की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश के हिंदू अब कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और आज बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर हिंदू समुदाय के लोगों ने ऐसे बैनर्स और पोस्टर्स के साथ विरोध प्रदर्शन किया जिन पर अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीरें लगी हुई थी। हिंदू समुदाय का आरोप है कि जिस कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के लोग बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं और हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, उस जमाते इस्लामी के कुछ नेता इस अंतरिम सरकार में भी हिस्सा हैं और अंतरिम सरकार हिंदुओं के खिलाफ इस हिंसा को रोकने का प्रयास नहीं कर रही है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने आज हिंदू समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके अलावा आज मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ढाकेश्वरी मंदिर भी गए जहां उन्होंने हिंदू समुदाय के कुछ और लोगों से मुलाकात की और कहा कि वो बांग्लादेश को एकजुट करना चाहते हैं, एकजुट रखना चाहते हैं जहां सभी धर्मों के लोग सुरक्षित रहें। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर जो प्रदर्शन है वो नहीं रुक रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस का सरकारी आवास है, बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सरकार के सबसे प्रमुख एडवाइजर, और उनके घर के बाहर इस समय प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी हैं, यहाँ पर सेना अर्धसैनिक बल तैनात है जो कोशिश करे प्रदर्शनकारी आगे ना जाए। आपको प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं रोज। दरअसल आज भी डॉक्टर यूनुस ने अल्पसंख्यकों के दलों के साथ मुलाकात की है और न्याय और सुरक्षा की मांग करने के लिए तमाम पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करने के लिए तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। आप देख पा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर की रेप्लिका है और ये जो संगठन के लोग हैं उनकी मांग सबमिशन और मेमोरेंडम। एक दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को एक मॉन्स्टर यानी राक्षस बताया था, लेकिन अब भारत में मौजूद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ने के बाद अपना पहला बयान जारी किया है, औपचारिक बयान जो उनके बेटे सजीव वाजिद की तरफ से आया है। और इस अपने बयान में शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश की आजादी के लिए उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के संग्रहालय को जलाकर उनका अपमान किया है और अब वो अपने लिए बांग्लादेश के लोगों से इंसाफ चाहती है। तो पहला पॉइंट यह है कि अब शेख हसीना खुद ये कह रही हैं कि वो इस पूरे हालात का शिकार हुई हैं और बांग्लादेश की जनता से वो इंसाफ चाहती हैं, बांग्लादेश के लोगों से चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। यानी एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, अब वापस जनता की अदालत में जा रहा है और बांग्लादेश की जनता से ही इंसाफ मांग रहा है। हालांकि इस बयान में उन्होंने कहीं भी अपने खिलाफ किसी भी साजिश की कोई बात नहीं लिखी है और ना ही इसमें उन्होंने कहीं भी अमेरिका का कोई जिक्र किया है, जिस पर यह आरोप लग रहा है कि उसी ने यानी अमेरिका ने ही सेंट मार्टिन्स द्वीप पर अपना नेवल बेस बनाने के लिए शेख हसीना की सरकार को गिराया है। अभी तक यही आरोप लगातार लग रहे थे। तो शेख हसीना ने अपने बयान में कहा है कि उसे कि उन्हें इंसाफ चाहिए और दूसरा वो ये चाहती हैं कि जिन लोगों ने हिंसा की है उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये दो बड़ी बातें उन्होंने कही है। अमेरिका का हाथ होने के आरोपों पर अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने भी यह जवाब दिया है और कहा है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। तो अमेरिका ने पहली बार इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण दिया है और ये जो सारे आरोप लग रहे थे कि अमेरिका ने यह सब कुछ करवाया है, इस पर अमेरिका ने कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके प्रवक्ता ने, सरकार के प्रवक्ता ने क्या कहा आप सुनिए। अमेरिका खुद पर लग रहे सभी आरोपों को गलत बता रहा है, निराधार बता रहा है, लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं कि जब बांग्लादेश में सब कुछ अचानक और बड़े ही अप्रत्याशित तरीके से हुआ तो वहां की सेना को अंतरिम सरकार बनाने के लिए सिर्फ 24 घंटे में ही मोहम्मद यूनुस के रूप में
एक ऐसा नेता कैसे मिल गया जो अमेरिका के बहुत करीब माना जाता है। 5 अगस्त को जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, तब पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि बांग्लादेश की सेना ने तख्ता पलट करके शेख हसीना की सरकार को देश से बेदखल कर दिया है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर यह तख्ता पलट सेना ने किया था तो फिर सेना ने 24 घंटे के अंदर ही बांग्लादेश की सत्ता को अपने हाथ में ना रखकर वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार क्यों बनवा दी। सेना के पास एक शानदार मौका था, वो चाहती तो वर्षों तक बांग्लादेश पर ऐसे ही राज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने 24 घंटे में एक अंतरिम सरकार बनवा दी। सच्चाई यह है कि यह सैन्य तख्तापलट शायद था ही नहीं, बल्कि यह एक सत्ता परिवर्तन था जिसे सेना और छात्रों के उग्र आंदोलन से के जरिए अंजाम दिया गया। जिस तरह शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के सिर्फ 80 घंटों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का गठन हो गया और मोहम्मद यूनुस को इसका प्रमुख बना दिया गया, उससे यह स्पष्ट होता है कि इस सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट शायद पहले ही लिखी जा चुकी थी। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है जो इन पूरे हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी कि कब शेख हसीना को देश से बाहर भगा दिया जाएगा और फिर कैसे नए नेता को चुना जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा, सब कुछ पहले से शायद तय था। और मोहम्मद यूनुस को भी शायद ये पहले से बता दिया गया था कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व उन्हें ही करना होगा। फिलहाल मोहम्मद यूनुस के बारे में दुनिया वही बातें जानती है जो पश्चिमी मीडिया बता रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद यूनुस गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के बैंकर हैं, सोशल वर्कर हैं और एक बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये सारी बातें सही भी हैं, इनमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस की कहानी का एक और पहलू है जिसे शायद दुनिया के बहुत सारे लोगों ने अभी देखा ही नहीं। क्या आप जानते हैं मोहम्मद यूनुस के उस अमेरिका से काफी अच्छे संबंध हैं जो अमेरिका बांग्लादेश में लगातार लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर शेख हसीना की सरकार की आलोचना करता रहा है। मोहम्मद यूनुस अमेरिका के बहुत करीब है। कैसे? अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलरी क्लिंटन जब बराक ओबामा की सरकार में वर्ष 2009 से 2013 के बीच विदेश मंत्री थी, उस समय मोहम्मद यूनुस पर अमेरिका काफी मेहरबान हुआ करता था। उस समय अमेरिका की एक संस्था पर यह आरोप लगा था कि उसने मोहम्मद यूनुस को उनके ग्रामीण बैंक के लिए भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से 108 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी थी। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस पर आरोप है कि उन्होंने हिलरी क्लिंटन के क्लिंटन फाउंडेशन में एक बार नहीं बल्कि कई बार डोनेशन दिया है और उस समय हिलरी क्लिंटन मोहम्मद यूनुस की लगातार मदद कर रही थी और वर्ष 2012 में उन्होंने ढाका में मोहम्मद यूनुस से मुलाकात भी की थी। यह वही समय था जब अमेरिका मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना के खिलाफ न सिर्फ मजबूत कर रहा था, उन्हें तैयार कर रहा था, बल्कि उन्हें अपने देश के सबसे बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित कर रहा था। वर्ष 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया था। इसके अगले ही साल 2010 में उन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया गया और जब बराक ओबामा के पहले कार्यकाल में मोहम्मद यूनुस को इतने बड़े बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जा रहे थे, तब उसी समय बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर कई गंभीर आरोप लग रहे थे। यानी अपने देश में वो विवादों में थे, अपने देश में उन पर आरोप लग रहे थे, लेकिन अमेरिका उन पर लगातार पुरस्कारों की वर्षा कर रहा था। वैसे भी आपने एक बात नोट की होगी, अमेरिका खास तौर पर उन लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान देता है जो अपने देश की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो लोग अपने देश के खिलाफ विद्रोह करते हैं, अपनी ही सरकारों के खिलाफ विद्रोह करते हैं, अपने ही देश में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शनों में आग में घी डालने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को अमेरिका बहुत पसंद करता है, चाहे वो भारत के लोग हों, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे किसी भी देश के लोग हों। ये सारे लोग जो अपने देश में अशांति पैदा कर सकते हैं या अपने ही देश में अपनी सरकारों या व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, विद्रोह करने की धमकियां देते हैं, ऐसे तमाम लोगों को पश्चिमी देश और खासतौर पर अमेरिका पुरस्कार देते हैं। ऐसे ही लोगों को बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं।
मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का एक ऐसा बैंकर बताया गया जो गरीबों का खून चूस रहा था, जिसने गलत तरीके से गरीबों को ऊंची ब्याज दरों पर अपने बैंक के जरिए लोन बांटे थे, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए एक बैंक शुरू किया था। ऐसे आरोप उन पर लग रहे। मोहम्मद यूनुस को अमेरिका का इतना ज्यादा समर्थन हासिल था कि जब वर्ष 2011 में शेख हसीना की सरकार ने उन्हें ग्रामीण बैंक में उनके पद से हटा दिया, तो उस समय हिलरी क्लिंटन ने खास तौर पर शेख हसीना को फोन करके इसका विरोध किया था। इसके अलावा इसी साल जब श्रम कानूनों को तोड़ने के एक मामले में बांग्लादेश की अदालत ने मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, तब अमेरिका के 12 सेनेटर्स ने इस मुद्दे को उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र को इस पर चिट्ठी लिखी थी। और दुनिया के 40 वर्ल्ड लीडर्स और नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भी शेख हसीना को चिट्ठी लिखकर मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया था, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस को हमेशा से ही अमेरिका का और पश्चिमी देशों का खुलकर समर्थन मिलता रहा है, और शायद अंतरिम सरकार में उनका प्रमुख बनना भी हो सकता है कि अमेरिका ने ही तय किया हो। हालांकि अमेरिका इसका खंडन कर रहा है और मोहम्मद यूनुस भी इसका खंडन ही करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो आपको बताया, मोहम्मद यूनुस पर जो अलग अलग तरह के आरोप लग रहे थे, उन पर जो मामले चल रहे थे उनके बारे में हमने आपको बताया, और अमेरिका और पश्चिमी देशों की उनके बारे में बिल्कुल उलट राय थी, ये भी आप समझ गए होंगे। अमेरिका पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश का छात्र आंदोलन ढाका के जिस ब्राक विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, ऐसे आरोप हैं कि उस विश्वविद्यालय को पिछले कुछ समय में 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिली थी, और अमेरिका की प्रमुख संस्थाओं में से एक यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने इसी विश्वविद्यालय को काफी बड़ी संख्या में डोनेशन दी। और सोचिए, ढाका के जिस विश्वविद्यालय में अमेरिका से पैसा आ रहा था, वहीं से छात्रों का यह उग्र आंदोलन शुरू हुआ। यह बड़ी दिलचस्प बात है। और मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की मांग भी सबसे पहले इसी विश्वविद्यालय के छात्रों ने की थी, और यह संयोग यहीं खत्म नहीं होते, और भी कई संयोग हैं। जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, तब इसमें लगभग सभी 27 बड़े मंत्रालय मोहम्मद यूनुस ने अपने पास रखे, और इस सरकार में अब सब कुछ उनके हाथ में है। 27 बड़े मंत्रालय उन्होंने लिए हैं। सोचिए, ये कौन सा मजबूत लोकतंत्र है जिसमें लगभग सभी बड़े मंत्रालय सिर्फ एक नेता के पास रहते हैं, और वो नेता भी कोई और नहीं बल्कि स्वयं मोहम्मद यूनुस हैं, जिनके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। एक और बात यहां पर विरोधाभास ये भी है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में 81 वर्ष के जो बाइडन को अपनी ज्यादा उम्र के कारण राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से पीछे हटना पड़ा, ऐसे में बांग्लादेश में 84 वर्ष के मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है, और अमेरिका खुद इसका समर्थन पीछे से इनडायरेक्टली कर रहा है। तो यहां बड़ी बात यह है, आपको उम्र पता होनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस की उम्र है 84 वर्ष, और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश के मीडिया का कहना है कि इस अंतरिम सरकार का कार्यकाल कुछ महीनों का नहीं बल्कि 3 वर्षों का हो सकता है, और 3 वर्षों तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख बने रह सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को, जिन्हें यह लग रहा है कि शायद बांग्लादेश में कुछ ही महीनों में चुनाव हो जाएगा और मोहम्मद यूनुस तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, उनका काम बस ये है कि कुछ महीनों तक वो सरकार संभाले रहें, प्रशासन को संभाले रहें, और फिर बांग्लादेश की जनता अपना नया नेता चुन लेगी। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। बांग्लादेश में कई नेता ऐसे थे जो इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर सकते थे, उनके पास पूरी क्षमता थी, और इनमें खालिदा जिया की पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान का भी नाम है। लेकिन उन्हें यह जिम्मेदारी देने की बजाय मोहम्मद यूनुस को, 84 वर्ष के मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाकर बांग्लादेश के 27 बड़े मंत्रालय सौंपे गए, जिन्हें सरकार चलाने का, यानी मोहम्मद यूनुस को सरकार चलाने का अब तक कोई अनुभव नहीं था। 2-3 बातें बड़ी दिलचस्प है। मोहम्मद यूनुस को सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं, दूसरी बात वो ज्यादातर समय बांग्लादेश के बाहर ही रहते हैं, तीसरी बात उनकी उम्र 84 वर्ष है, फिर भी उन्हें चुना गया लेकिन तारिक रहमान को नहीं चुना गया। भारत के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में
एक सैंड आर्ट बनाया है। अपनी आर्ट के जरिए उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है और अपील की है कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा रुकनी चाहिए, और इसमें उन्होंने बांग्लादेश के जले हुए मंदिर अपनी आर्ट में दिखाए हैं और मोहम्मद यूनुस को भी उन्होंने इसमें दर्शाया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन तो नहीं हुआ, ना ही भारत के लोग, भारत के हिंदू सड़कों पर उतरे, ना ही उन्होंने किसी पर कोई दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन कई बार जो बात हजारों लाखों की भीड़ नहीं कह पाती वो कला कह देती है, और कला के जरिए भी हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम आपको हमारी उस मुहिम के बारे में बताएंगे जिसे आप सब ने अपना लिया है, आप सब ने इसे अपनी मुहिम बना लिया है, और यह मुहिम आप सब के बीच में बड़ी लोकप्रिय हुई क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई है, आपकी जेब से जुड़ी हुई है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। और यह मुहिम थी आजकल हमारे देश की सड़कों पर लिए जा रहे टोल टैक्स के बारे में और टोल टैक्स की गुलामी से आपको आजादी दिलाने के बारे में। आज मैं कुछ चिट्ठियां लेकर आया हूं। ये चिट्ठियां हैं जो मुंबई के दर्शकों ने, ये देखिए, ये सारी वो चिट्ठियां हैं जो मुंबई के दर्शकों ने मुझे लिखी है। ये जितनी भी चिट्ठियां इस समय आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, सारी चिट्ठियां मुंबई के दर्शकों ने, आप सब ने हमें भेजी है और हमें यह बताया है कि देश में कितनी सड़कें ऐसी हैं जहां लागत वसूलने के बाद भी लोगों से सड़कों और हाईवे का टोल टैक्स वसूला जा रहा है। तो हम अपने दर्शकों के कहने पर चलते हैं। हमारे दर्शक हमसे क्या चाहते हैं, हमारे दर्शक किन किन मुद्दों पर अपनी शिकायतें भेज रहे हैं, हमारे दर्शकों का जीवन हम सरल कैसे कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, हमारी कोशिश वो रहती है। तो हमारे दर्शकों ने, खासतौर पर मुंबई के दर्शकों ने जो हमें लिखा है, जिस टोल प्लाजा का के बारे में उन्होंने बताया है, इन्हीं में से एक टोल प्लाजा का नाम है मुंबई का दहिसर टोल प्लाजा, जिसके बारे में हमें बहुत सारे दर्शकों ने लिखा। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले पढ़कर बताना चाहता हूं कि मुंबई के लोगों ने हमें इस टोल प्लाजा के बारे में क्या जानकारी दी है। अब देखिए, राजेश मानकलाल शाह, उन्होंने लिखा है, आई एडमायर एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टू टेक अप सच अ बर्निंग इशू वेयर द गवर्नमेंट इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर लूटिंग द पब्लिक। उन्होंने लिखा है, ऑन द नेम ऑफ एंट्री टू मुंबई, थाने, नवी मुंबई, देर आर मल्टीपल टोल टैक्सेस एंड ऑल आर टू बी पेड। और उन्होंने ऐसे तमाम टोल प्लाजाज का नाम लिखा है जहां पर उन्हें पैसा देना पड़ता है मुंबई, थाने या नवी मुंबई में प्रवेश करने के लिए। अगले दर्शक हैं अर्पण मित्रा, जिन्होंने लिखा है, रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर टीम टू मुंबईज वाशी, एरोली, दहिसर एंड मुलुंद टोल नाका फॉर रिपोर्टिंग ऑन टोल टैक्स। Even after paying toll tax, we are getting broken potholes road in Dahisar. यानी टोल टैक्स देने के बाद भी सड़कें टूटी हुई ही मिलती है। सुप्रिया शेट्टी लिख रही हैं, दहिसर चेक नाका इन मुंबई इज नॉट इवन 4 kilometers अवे फ्रॉम माई हाउस बट स्टिल हैव टू पे द टोल एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम ड्यूरिंग द इवनिंग एंड ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ chaos. यानी सुप्रीता शेट्टी ने भी इसी दहिसर नाके के बारे में लिखा है। एक और दर्शक हैं सलील अरोड़ा, फॉर द लास्ट 15 years सिंस आई एम इन मुंबई वी आर पेइंग टोल टैक्स टू गो टू नवी मुंबई फ्रॉम मुलुंड, ये लिख रहे हैं। ये भी, इनकी भी वही शिकायत है। जितेंद्र गुप्ता लिखते हैं, दहिसर टोल नाका मुंबई हैज बीन कलेक्टिंग अप्रोक्सीमेटली 4,000 crores, ऐसा इन्होंने अपनी कैलकुलेशन में बताया है। और इन्होंने भी ये कहा है कि एवरी डे वी फेस वेरी हैवी ट्रैफिक जैम। सवासी राम चौधरी लिखते हैं, वेस्टर्न हाईवे दहिसर टोल नाका इन मुंबई इज देयर फॉर द लास्ट 20-25 years, मनी इज बींग कलेक्टेड इलीगली, इवन इफ द व्हीकल रिटर्न विद इन 10 minutes दे स्टिल टेक द मनी अगेन एंड टिल नाउ द टोल हैज नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम देयर। अविनाश कुमार पंडित, वो कहते हैं, दहिसर टोल प्लाजा पर प्रतिबंध लगना चाहिए, आई डिमांड क्लोजर ऑफ दहिसर टोल नाका। और वो कहते हैं कि हमसे
देखिए, आई अर्ज आज तक टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर एंड ब्रिंग इट टू द फोरफ्रंट थ्रू योर एस्टीम्ड प्लेटफॉर्म। और इन्होंने उसके बाद सारा डिटेल दिया है इसी दहीसर टोल नाका के बारे में। मैं आपका और आगे समय नहीं लूंगा क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक ये लिख रहे हैं। डॉक्टर पंकज धामीजा, उन्होंने भी इसी टोल नाके के बारे में लिखा है और कहा है कि इट्स अ पेन फॉर लैक्स ऑफ पीपल हु कम्यूट अक्रॉस एवरी डे। और एक बड़ा इन्होंने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मिली भगत ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिशियंस। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन और नेताओं की मिली भगत हो चुकी है। हर्षद पाडिया, मुंबई में दहीसर का टोल आ जाने न जाने कितने सालों से टोल टैक्स वसूल रहा है, इन्होंने ऐसा लिखा है। यानी मैंने सारे आपको ये चिट्ठियां दिखाई हैं जो मुंबई के ही दर्शकों ने लिखी हैं, और ये मुंबई के दर्शक हर रोज इस टोल प्लाजा का शिकार हो रहे हैं। कहते हैं मुंबई कभी रुकती नहीं, लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको मुंबई हमेशा रुकी हुई ही नजर आएगी। देखिए, मीडिया में कुछ कह देने से, किताबों में कुछ लिख देने से सच्चाई बदल नहीं जाती। मुंबई कभी रुकती नहीं है, हमने तो यही सुना है। दिन रात मुंबई भागती रहती है, मुंबई की गति सबसे तेज है। लेकिन हम तो मुंबई की जब भी तस्वीरें देखते हैं, हमें मुंबई फंसी हुई दिखाई देती है, हमें मुंबई हमेशा रुकी हुई दिखाई देती है, हमें मुंबई हमेशा ट्रैफिक जैम में फंसी हुई ही दिखाई देती है। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब टोल प्लाजा आते हैं तो मुंबई को भी रुकना पड़ता है और मुंबई इनके कारण जैम में फंस जाती है। वर्ष 2002 में मुंबई में एंट्री और एग्जिट के लिए कुल 5 टोल प्लाजा लगाए गए थे। 5 टोल प्लाजा 2002 में लगाए गए थे मुंबई में एंट्री और एग्जिट के लिए, जिनमें दहीसर टोल प्लाजा और एरोली टोल प्लाजा प्रमुख है। पिछले 22 वर्षों से, इस पर ध्यान दीजिएगा, 22 वर्षों से 22 ईयर्स, मुंबई के लोग इन दोनों टोल प्लाजा पर महाराष्ट्र सरकार को टोल टैक्स देते आ रहे हैं। और सरकार ने अब भी स्पष्ट नहीं किया है कि लोगों को और कितने वर्ष यहां पर टोल टैक्स देना होगा। 22 साल में तो पीढ़ियां बदल जाती हैं। पिछली पीढ़ी दे रही थी, अब ये पीढ़ी दे रही है, अब इनकी अगली पीढ़ी भी यहां टोल टैक्स देती रहेगी। इससे भी बड़ी बात यह कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में टोल टैक्स की दरों को बढ़ा दिया है, लेकिन जो लोग इन सड़कों पर चलने के लिए ये टोल टैक्स दे रहे हैं उन्हें बदले में कितनी बुरी सड़कें, टूटी फूटी सड़कें मिल रही हैं और ये गड्ढे कैसे मुफ्त में मिल रहे हैं, ये आज आप देख सकते हैं। यहां एक और बड़ा मुद्दा यह है कि मुंबई के एंट्री पॉइंट्स पर इन टोल प्लाजा को बनाने का प्रस्ताव 30 साल पहले आया था और तब से मुंबई का बहुत विस्तार हो चुका है। और अब ये एंट्री पॉइंट्स वास्तव में एंट्री पॉइंट्स हैं ही नहीं, क्योंकि ये मुंबई शहर के भी बहुत अंदर आ चुके हैं। मुंबई शहर इन एंट्री पॉइंट से बहुत आगे, कई किलोमीटर आगे निकल चुका है, क्योंकि उसका विस्तार हो चुका है। इसलिए सोचिए, अगर शहर के अंदर ही शहर के लोगों को शहर में प्रवेश करने के लिए टोल टैक्स देना पड़े तो क्या यह सही है? मुंबई में आने जाने के लिए पालघर, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भयंदर और वसई के लोगों को भी टोल टैक्स देना पड़ता है। और अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह टोल टैक्स आखिर लिया क्यों जा रहा है, ये जो पैसा वसूला जा रहा है टोल टैक्स का, ये कहां पर काम आ रहा है, लोगों को ये भी नहीं बताया जा रहा। लोगों का कहना है कि अगर वो टोल टैक्स दे रहे हैं तो कम से कम इसके बदले में उन्हें कुछ अच्छी सड़कें तो मिलनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सड़कें गड्ढों से गहरी दोस्ती करके बैठी हैं, और इन गड्ढों वाली सड़कों के लिए भी लोगों से पिछले 22 वर्षों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। ये टोल टैक्स वाली सड़कें आप देख लीजिए, महाराष्ट्र सड़क विकास निगम ने इन टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूलने का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दे रखा है, और अभी जिस हिसाब से टोल टैक्स वसूला जा रहा है और टोल टैक्स की दरों में वृद्धि हो रही है, उससे साफ है कि 22 वर्षों में इन सड़कों को बनाने की लागत कब की वसूल हो चुकी होगी, और इसके बावजूद अब भी सड़कों पर लोगों से यह टोल टैक्स लिया जाता है। और इस व्यवस्था में हमारे देश के लोग कैसे पिस रहे हैं वो आप आज हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं। और यह ग्राउंड रिपोर्ट और आज की खबर खास तौर पर हमारे मुंबई के दर्शकों के लिए है, खास तौर पर उन दर्शकों के लिए है जो इन सड़कों से हर रोज संघर्ष कर रहे हैं, जिन सड़कों ने उनके जीवन में इतना गहरा प्रभाव डालकर रखा है कि आज वो इन सड़कों की वजह से ही परेशान है।
इस वक्त हम मुंबई के एक और टोल नाके पर मौजूद है, ये एरोली का टोल नाका है। सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें देखिए, ये पीक आवर का समय है और यहाँ पर एम्बुलेंस किस तरीके से फंसी है, क्योंकि यहाँ पर खड्डे इतने ज्यादा है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत होता है। अब देखिए एम्बुलेंस ने यहाँ पे रॉन्ग साइड से ये गाड़ी को डाला है। अब यहाँ की पहले तो आप तस्वीरें देखिए कि ये टोल नाका शुरू होने से पहले का ये पूरा रास्ता देखिए, आपको यहाँ पर सड़क नजर नहीं आएगी, जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरी तरीके से ये जो रास्ता है इसके अंदर खड्डे भरे हुए हैं और इससे लोगों की जान को बहुत बड़ा जोखिम है। दूसरी अभी बात समझिए कि 7:30 बज चुके हैं, पीक आवर का समय है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है, मेन जो फॉग लाइट है, वो भी अभी तक चालू नहीं हुई है। यहाँ पे 2016 से मैं लगातार कंप्लेंट करते आ रहा हूँ, हर एक बारिश में यही खड्डों का हाल रहता है। ऊपर से यहाँ से आगे जाने के बाद जो ब्रिज है उसका ऊपर एक भी लाइट अभी चालू नहीं है, लाइट भी नहीं है, नहीं रहती है। पीछे वाले टोल पे हमारे पास फास्टैग में पैसे नहीं, बढ़ के डबल चार्ज लिया हम पैसे भी, ये गाड़ी है हमारी, डबल लिया हमसे, जबरन पैसा वसूली चल रहा है। इस वक्त हम दहिसर और मीरा रोड के बीच दहिसर टोल नाके पर मौजूद है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट है मुंबई के लिए, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो और पूरे नॉर्थ इंडिया को जोड़ने वाला जो NH 48 है वो इसी सहारे यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मुंबई पे एंट्री होता है। और ये जो टोल नाका है इसके वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो जब पीक आवर होता है तो यहाँ पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम लग जाता है, बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं तो हर टोल नाका पर एक इंफॉर्मेशन देने वाली डिस्प्ले साइनबोर्ड होता है कि यहाँ पर टोल क्यों लिया जा रहा है, अब तक कितना टोल लिया गया है और कितना टोल अब बाकी रहेगा और उसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना है। लेकिन इस दहिसर टोल नाके पर कोई भी डिस्प्ले बोर्ड नहीं है। तो आप सोचिए, मुंबई के लोगों को पैसा देने के बावजूद कैसी टूटी फूटी गड्ढों से बड़ी सड़कें मिल रही हैं। और एक बात आप सोचिए, आखिर ये कैसी सड़क है जो हर बारिश में टूट जाती है? इसका मतलब इस सड़क में कुछ ना कुछ खराबी है, इस सड़क में कोई ना कोई मिलावट है। सड़क की जो उम्र है आमतौर पर कई वर्षों की होती है, लेकिन ये कैसी सड़क है जो एक बारिश में टूट जाती है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस सड़क में घटिया मटेरियल लगा होगा, ये सड़क सब स्टैंडर्ड रही होगी। आप क्या कभी ऐसा घर लेंगे जो हर बारिश में टूट जाए? क्या कभी आप ऐसे घर में रहना चाहेंगे जिसकी छत हर बारिश में गिर जाए? लेकिन हमारे देश में यही हो रहा है। हमारे देश में आपको ऐसी ही सड़कें मिल रही हैं, ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें सड़क और ड्रेनेज एक साथ मिल जाते हैं, जिसमें सड़क सिर्फ चंद महीनों की मेहमान होती है और उसके बाद वो टूट जाती है और पूछने वाला कोई नहीं, सवाल करने वाला कोई नहीं, और सब कुछ वर्षों से ऐसे ही चलता जा रहा है। और अब हमारे देश की जो जनता है उसे भी आदत पड़ चुकी है इन टूटी फूटी सड़कों पर चलने की, जबकि वो ये बात नहीं जानते कि वो इन सड़कों के लिए पैसा देते हैं। हमारे देश के लोग हर चीज पर टैक्स देते हैं, GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं और ना जाने कितने अलग अलग तरह के टैक्स देते हैं, और उस सब के बदले में उन्हें ये टूटी हुई सड़कें मिल रही हैं। मॉनसून सत्र के दौरान टोल टैक्स का मुद्दा इस बार संसद में भी उठा था और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद विवेक तन्खा ने इस पर राज्यसभा में सवाल पूछा कि देश में कई टोल प्लाजा अपनी लागत और मुनाफा निकालने के बाद भी अनिश्चितकाल के लिए क्यों टोल ले रहे हैं, और ये जनता के साथ एक प्रकार का धोखा है। और इसका जवाब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिया था। पहले आप सुनिए कि संसद में जब ये मुद्दा उठा तो कैसे उठा और सरकार ने क्या जवाब दिया। आई नो फॉर फैक्ट देयर इज अ लॉ ऑन टोल व्हिच सेज टोल इज अ कॉम्पेंसेटरी इम्पोजिशन, मतलब आप टोल तब तक कलेक्ट करेंगे जब तक आपका रोड का कॉस्ट प्लस profit gets recovered, but this is not happening in India. All tolls continue indefinitely, yeah. Which is not in public interest, sir. It's basically cheating to the public. Yeah. So I am saying, sir, that does NHI
which plans to review this unlimited collection policy, which is against public interest. Maniya Mantri ji, I would like to suggest that all tolls are given for a specific period. If there is any toll which he says is being given over that period and still continuing, we will have it looked into. I think you should be satisfied, Vivek ji. If you will, one second. If you will name one toll where your good thought has been violated, the minister has assured he will look into it. तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बिल्कुल हम इस मामले का संज्ञान लेंगे और अगर आप हमें बता सकें कोई खास टोल प्लाजा, एक टोल प्लाजा का नाम बताइए जहां पर ऐसा हो रहा हो, तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो माननीय सांसद जो थे वो शायद ये नहीं बता पाए, स्पेसिफिक कोई उदाहरण नहीं दे पाए कि कहां ऐसा हो रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि हमें यह जानकारी इकट्ठा करनी है कि कहां कहां ऐसा हो रहा है, और वो जो जानकारी है वो आधिकारिक रूप से बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज हम आप सबको, अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो चिट्ठियां हमें भेजी उनमें हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पूरे देश से अलग अलग टोल प्लाजा वाली सड़कों की शिकायत लिखी है और उन्होंने उनके बारे में डिटेल्स भी दिए हैं। और हमारे देश भर के दर्शकों ने कहा है कि हम कहां कहां किस किस टोल प्लाजा से और किस टोल वाली सड़क से परेशान है, कहां धांधली हो रही है। लेकिन आज की समस्या यह है कि जो आम जनता है वो भी सारी जानकारी असल में कहां से लाएगी, उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि जिस टोल प्लाजा पर वो लगातार टोल दे रहे हैं, जिस सड़क के लिए, उसकी कितनी लागत थी, उस लागत में से कितना पैसा वो वसूल चुके हैं, कितना प्रॉफिट उसमें से बना चुके हैं, और अब ये टोल कितने वर्षों तक और लिया जाएगा, ये सारी जानकारी हमारी जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। जनता भी कहां से लाएगी ये जानकारी। इसलिए हमने ये सोचा कि जितनी भी सड़कों के बारे में आपने हमें लिखा है, उन सड़कों के बारे में हमने अब आरटीआई दायर कर दिया, और हम आरटीआई दायर करके अलग अलग राज्य सरकारों से और विभागों से ये जानकारी मांग रहे हैं कि आप हमें इन टोल रोड्स के बारे में, टोल प्लाजा के बारे में सही जानकारी दीजिए। और जैसे ही हमें ये जानकारी प्राप्त होगी, हम इस पर आपको एक और विस्तृत रिपोर्ट इसी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएंगे। यही एक रास्ता है कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन का फायदा उठाएं और हम खुद ये जानकारी इकट्ठा करें कि हमारे देश में जो जो भी टोल प्लाजा चल रहे हैं, जितनी सड़कें, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज चल रहे हैं, जहां से आपसे पैसा वसूला जाता है, असल में उनकी लागत कितनी है, उनमें प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है, और अब तक उनकी लागत और प्रॉफिट का कितना हिस्सा वसूला जा चुका है, कितनी सड़कें ऐसी हैं जिनका प्रॉफिट और लागत दोनों की वसूली हो चुकी है, फिर भी जनता से टोल लिया जा रहा है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका ये जो मुद्दा है ये हम देश तक, सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। अब आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर बताते हैं, और वो खबर है विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट से जुड़े उस फैसले के बारे में अब नई जानकारी आ गई है, जिसका पूरा देश आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन खास बात यह है कि यह फैसला जो 9:30 बजे आज आना था, यह नहीं आया, और अब विनेश फोगाट के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला 16 अगस्त तक टल गया है। अब यह फैसला 16 अगस्त को आएगा। पहले यह फैसला आज रात 9:30 बजे के आसपास आना था, लेकिन अब यह पता चला है कि यह फैसला 16 अगस्त को आएगा। खेल से जुड़े विवादों का निपटारा करने वाली अंतरराष्ट्रीय अदालत अब यह फैसला 16 अगस्त को सुनाएगी कि क्या विनेश फोगाट को ओलंपिक खेलों का ज्वाइंट सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस अदालत को CAS कहते हैं, जिसका मतलब होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। यह अदालत ऐसे मामलों में एक दिन से ज्यादा सुनवाई नहीं करती, और ऐसे मामलों में अंतिम फैसला ज्यादातर मामलों में 24 घंटों के अंदर अंदर आ जाता है। लेकिन विनेश फोगाट के मामले में इस अदालत ने एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक सुनवाई की, और इस सुनवाई में विनेश फोगाट की तरफ से 4 बड़ी दलीलें देते हुए कहा गया कि उन्हें ओलंपिक खेलों का ज्वाइंट सिल्वर मेडल मिलना ही चाहिए। तो बड़ी बात देखिए क्या है, यह अदालत आमतौर पर बड़े से बड़े जो केस आते हैं एक दिन की सुनवाई करती है, 24 घंटे में फैसला सुना देती है। इस बार 3 दिन की सुनवाई हुई, और यह फैसला भी जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है, और अब यह फैसला आएगा 16 अगस्त को।
जो दलील दी गई विनेश फोगाट की तरफ से, उसमें पहली दलील ये कि विनेश फोगाट ने जब पहले दिन अपने 3 बाउट खेले, यानी 3 मैच खेले, तब उनका वजन 50 किलोग्राम से कम था और वो सारे नियमों का पालन करते हुए फाइनल में पहुंची थी, जहां सिल्वर मेडल उन्होंने पक्का कर लिया था। लेकिन दूसरे दिन 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें अयोग्य ठहराकर खेलों से बाहर कर दिया गया। तो उनका जो उनकी पहली दलील है वो ये कि जब वो फाइनल तक पहुंची और पहले दिन जो उन्होंने 3 मैच खेले और सेमीफाइनल तक जीता, उस दिन उनका वेट जो है वो बिल्कुल ठीक था, उस दिन वो 50 किलो से नीचे ही थी और उन्होंने सारे नियमों का पालन किया है, इसलिए उस दिन उन्होंने जितनी भी कुश्ती जीती है वो मान्य होनी चाहिए। दूसरी दलील ये कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में खिलाड़ी के 100 ग्राम ज्यादा वजन को एडवांटेज नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये 100 ग्राम वजन बॉडी की नेचुरल डिमांड होता है, यानी 100 ग्राम का वजन कोई इतना बड़ा वजन नहीं है जिससे आप ये कह दें कि इससे कुश्ती के नतीजे में कोई फर्क आ सकता है। तीसरी दलील ये कि जहां कुश्ती का मुकाबला होना था और जहां ओलंपिक विलेज में खिलाड़ियों को ठहराया गया था, दोनों जगहों के बीच काफी दूरी थी, जिससे विनेश फोगाट को नियमों के अनुरूप अपना वजन घटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, उन्होंने आने जाने में ही बहुत समय लग गया। चौथी दलील ये कि जब विनेश फोगाट को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 100 ग्राम ज्यादा वजन के लिए डिस्क्वालिफाई किया, तो फिर किस आधार पर उनसे शुरुआती राउंड में हारने वाली जापान की खिलाड़ी यूई सोसाकी को ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला खेलने की अनुमति दी गई, यह उनका चौथा पॉइंट था। विनेश फोगाट की तरफ से अदालत में उनका यह पक्ष जिन वकीलों ने रखा, उनमें 4 वकील फ्रांस के हैं और 2 वकीलों में से 1 वकील हैं हरीश साल्वे, जो बहुत बड़े वकील माने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भारत का प्रतिनिधित्व कई बार कर चुके हैं और उनका सक्सेस रेट अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बहुत अच्छा है, और दूसरे वकील हैं विदुषपत सिंघानिया, ये उनकी टीम है। दुनिया के कई ओलंपिक खिलाड़ियों ने विनेश फोगाट को ज्वाइंट सिल्वर मेडल देने की मांग की है और हमें सूत्रों से ऐसे पता चला है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग अब खिलाड़ियों के वजन मापने से जुड़े अपने नियमों को इस मामले के बाद बदल सकता है। यहां 2 बातें आपको नोट करनी चाहिए। पहली ये कि विनेश फोगाट ने अपना वजन बढ़ने में कोई भी साजिश होने से इनकार किया है और अदालत में उनकी तरफ से ऐसी कोई दलील नहीं दी गई कि उनके साथ कोई धोखेबाजी हुई है, उनके साथ कोई साजिश हुई है, उनके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह कि कुश्ती के खेल में खिलाड़ियों का वजन बढ़ना सामान्य बात है, क्योंकि लगभग सभी खिलाड़ी अपने वजन से कम वाली वेट श्रेणी में मुकाबला लड़ते हैं, क्योंकि इससे उन्हें एक एडवांटेज मिलता है, यानी पूरी दुनिया में ये एक प्रथा सी बन गई है कि खिलाड़ियों का जो असली वजन होता है वो उससे कम वजन की श्रेणी में खेलते हैं और अलग अलग तरीके अपनाकर अपने वजन को नीचे कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इस बार के ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी अमन सहरावत जो थे हमारे, वो 57 किलोग्राम के भार वर्ग में खेल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पहले दिन अपना मुकाबला लड़ा तब उनका वजन 57 किलोग्राम से कम था और नियमों के बिल्कुल अनुरूप था, लेकिन दूसरे दिन जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला खेलना था तब उससे पहले उनका वजन 4.6 किलोग्राम बढ़ गया था, जिसे अमन सहरावत ने रात भर एक रात में 4.5 किलो वजन अपना कम कर लिया और अगले दिन वो देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी जीत गए। तो अमन सहरावत ने 4.5 किलोग्राम वजन अपना कम किया एक रात में और वो अपना ब्रॉन्ज मेडल जीत गए। इसलिए 4-4.5 किलो 3-4 किलो वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है और लोग एक रात में या 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपना वजन 3-4 किलो एक रात में कम कर लेते हैं या 24 घंटे के अंदर अंदर कम कर लेते हैं। खेलों की दुनिया में ये एक आम बात है, लेकिन विनेश फोगाट को अमन सहरावत से भी कहीं कम, सिर्फ 2.7 किलोग्राम वजन घटाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने घटा तो लिया, 2.6 किलोग्राम तो घटा लिया, लेकिन 100 ग्राम वजन तब भी बच गया और वो डिस्क्वालिफाई हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विनेश फोगाट एक ऐसी वजन की श्रेणी में खेल रही थी जिसमें उन्हें अपना वजन अपने सामान्य वजन से कम 6-7 किलोग्राम कम करना था, जबकि अमन सहरावत उस वेट कैटेगरी में खेल रहे थे जिनमें उन्हें अपना नेचुरल वेट, प्राकृतिक वजन, अपने सामान्य वजन से 3-4 किलोग्राम कम करना था। और यही कारण है कि अमन सहरावत ने जितने समय में
4.5 किलोग्राम वजन घटा लिया उतने समय में विनेश फोगाट 2.7 किलोग्राम वजन कम नहीं कर पाई। और अब हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर निखिल नाज जुड़ गए हैं। निखिल नाज ओलंपिक खेलों के दौरान पेरिस में ही थे, ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है इसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, सब कुछ वो देख कर आए हैं और आप कह सकते हैं कि वो इस पूरे मामले के चश्मदीद गवाह हैं। इसलिए हम निखिल से आज पूछना चाहेंगे, निखिल आपको क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय अदालत का क्या फैसला हो सकता है 16 अगस्त को, और ये बड़ी अनयूजुअल सी बात है कि ये मामला इतने समय के लिए टल जाए। ये फैसला तो 24 घंटे में आ जाना चाहिए था लेकिन अब इसमें हफ्ते का समय लिया जा रहा है। जी सुधीर, अगर आप मेरे से 3-4 दिन पहले ये सवाल पूछते तो मैं कहता शायद कोई चांस नहीं है आपके पास सिल्वर मेडल आने का, क्योंकि इससे पहले मेरे जहन में काफ़ी उदाहरण आते हैं जब कुछ इस तरह के फैसले गए थे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स पे, और ज़्यादातर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ नियमों को देखता है। अगर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की गई है, अगर नियमों को फॉलो किया गया है तो बस वही देखा जाता है। उसके अलावा आप कोई भी प्ली डाल दें, कितनी भी इमोशनल वो प्ली हो, कितने भी आप वहाँ पर कोशिश करें उस आर्ग्यूमेंट को पेश करने की, उसको नहीं सुना जाता। लेकिन क्योंकि इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि 24 घंटे के जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाए, एक नहीं दो नहीं 3 बार बढ़ाया गया है, ये एक आशा की किरण आपके सामने जरूर पेश करता है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स जो है उसे सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। कुछ ऐसी दलीलें दी गई हैं भारतीय खेमे के तरफ से जिसने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ये कहा है कि आपको शायद इस मामले की तह तक जाना होगा। मुझे ये भी पता चला है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है जो अब तक पूरे जो नियमों की दलील दे रही थी उनसे कई ऐसी चीजें पूछी गई हैं नियमों को लेकर जहां पर कुछ लूप होल्स पाए गए थे कि आप इस पर हमें और जानकारी दीजिए और आपने नियमों को इस तरह से क्यों बनाया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो निर्णय आने में समय लग रहा है, और अगर मैं अभी भारतीय फैन होता जिसे उम्मीद होती मेडल की तो ये जो डिले हो रहे हैं इससे मेरी उम्मीदें थोड़ी और बढ़ती ही। यानी ये जो देरी हो रही है ये असल में भारत के लिए और विनेश फोगाट के लिए एक अच्छी खबर ही हो सकती है। लेकिन निखिल हम ये भी जानना चाहते हैं, मैंने ऐसा सुना, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि विनेश बहुत निराश हैं, निराश भी हैं और ऐसा लगता है कि व्यवस्था से और बाकी जो कुछ हो रहा है उससे बड़ी नाराज भी हैं और किसी से मिल नहीं रही हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद थे। आप हमें थोड़ा सा बताइए कि आपका अपना पर्सनल अनुभव विनेश के साथ और उनके आसपास के लोगों के साथ कैसा रहा, खासतौर पर ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा है कि हमारा जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी भूमिका अच्छी नहीं रही, उन्होंने विनेश को सपोर्ट नहीं किया और एक साजिश का एंगल भी लगातार लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए सबसे पहली चीज मैं एक ये बताना चाहूंगा क्योंकि इसमें राजनीति भी हो रही है सुधीर, तो एक चीज मैं कहूंगा कि इसके आसपास भी मुझे कोई राजनीति नजर नहीं आई। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर विनीत को सिल्वर मेडल मिलता है तो वो उनकी जो मेहनत है, उन्होंने जिस तरह से कोर्ट को अप्रोच किया उसकी वजह से मिलेगा, और अगर विनेश की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है उसमें भी कोई राजनीति नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं था, चाहे आप वो कोई नेता की तरफ से देखिए या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से देखिए जिसने कोशिश की कि कुछ उसके साथ गड़बड़ी हो और वो हार जाए। ये पूरा मामला जो है स्पोर्ट्स से जुड़ा मामला है, वेट नहीं वो घटा पाई वो स्पोर्ट्स से जुड़ा मामला है, कोई साजिश नहीं रची गई उनके लिए किसी भी खेमे की तरफ से, और अब जो वो ये लड़ाई कर रही हैं इसमें उन्होंने जरूर शुरुआत की, सबसे पहली खिलाड़ी ही थी जो गई, चार जिन्होंने प्रो बोनो लॉयर्स को चुना, लेकिन उसके बाद उनको साथ मिला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। हरीश सालवे, विदुषपत सिंघानिया जो आए हैं वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कहने पे आए हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर सिल्वर मेडल मिलता है तो ये जो पूरा श्रेय वो एथलीट को ही जाएगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए। पहली बात तो ये राजनीति को लेकर ये हुई। दूसरा, जैसे आपने कहा विनेश के क्या हाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा जब वो उन्होंने अपने लगातार 3 मैचेस जीते, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को भी हराया, अक्सर वो मीडिया से बात करते हैं खिलाड़ी खासतौर पर जब जीत जाते हैं, लेकिन उस दिन विनेश आई और दौड़ते हुए अंदर चली गई, उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया, अभी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई थी, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि शायद उनको पता है कि उनका वेट 2.7 किलो बढ़ गया है, उनको 3
मुकाबले खेलने थे तो उनके पास समय भी नहीं था कि वो मीडिया से बात कर सके। वो दौड़ी क्योंकि उनको पता था उनको वेट गेन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करना है। फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है उन्होंने किसी से बात नहीं कही है। उनके करीबी जो दोस्त हैं यहाँ पे इंडिया में, मेरी उनमें से कईयों से बात हुई जिनसे वो अक्सर संपर्क में रहती थी, उनसे भी वो बात नहीं कर रही। आईओए के भी जो आला अधिकारी वहां मौजूद है उनसे भी उन्होंने बात नहीं की। फिलहाल वो अकेला रहना चाहती है, शायद उन्हें समय लग रहा है इस पूरे जो हालात है उससे उसके साथ समझने को, उसके साथ टू मेक पीस विद इट जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसलिए फिलहाल वो बात नहीं कर रही। वो विलेज से चेकआउट कर चुकी है, उसकी ताजा जो तस्वीरें थी एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो हमने आज तक पे दिखाई भी थी, वो आखिरी तस्वीरें हमने उनकी देखी क्योंकि ओलंपिक विलेज बंद हो गया है। फिलहाल ये जानकारी भी आनी मुश्किल हो रही है कि क्या वो होटल में ही पेरिस में है या वो इंडिया का रुख कर चुकी है। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ शायद मेंटल स्टेट उनका इस वक्त ये है कि वो फैसले का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जब तक वो फैसला नहीं आता वो किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहती। तो निखिल, क्या हम इसका मतलब ये भी लगाएं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और विनेश ये दो असल में एक टीम की तरह नहीं बल्कि दो अलग अलग टीमों की तरह उस अदालत में लड़ रहे हैं और इन दोनों के बीच में भी बहुत ज्यादा कोई कम्युनिकेशन नहीं है? कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं सही है, इतना कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो आपने कहा कि अलग अलग टीमें नहीं, मेरे ख्याल से एक टीम की तरह लड़ रहे हैं क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की भी यही पहल है कि वो विनीश के पक्ष में ये फैसला है। यही नहीं, क्योंकि वो भारतीय एथलीट है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए भी गर्व की बात होगी अगर मेडल आता है। दो जो आपने लॉयर्स रखे हैं, और देखिए हरीश साल्वे से छोटा तो कोई नाम ही नहीं है जहां तक लीगल फील्ड का हम बात निखिल, करें निखिल, उसको भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। मैं आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि विनेश फोगाट के जो वकील हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदुषपत सिंघानिया, वो इस समय हमारे साथ हैं। समय हालांकि बहुत कम है। सिंघानिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आज के फैसले को वो किस तरीके से देखती हैं, किस तरीके से देखते हैं। एक तो मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि मैं विनेश फोगाट जी का लॉयर नहीं हूं, मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का लॉयर हूं। हम लोग सपोर्टिंग ब्रीफ में ही हैं विनेश फोगाट जी के, बट मैं विनेश फोगाट जी का लॉयर नहीं हूं। तो डिले तो टाइम कैस्ट ने एक्सटेंशन मांग लिया है 16 तारीख तक का, 9:30 बजे इंडिया टाइम तक। अब क्या रीजन है इसका जी, बिल्कुल हम लोग को पता नहीं है, बट ये सिर्फ आर्बिट्रेटर को पता होगा एंड हम उनका माइंड नहीं रीड कर सकते। सभी को बहुत उम्मीदें हैं, देश भर को पूरी उम्मीदें हैं कि सिल्वर आएगा नहीं आएगा, और जाहिर है कि गर्व के लिए की भी बात भी होगी। लेकिन आप इस पूरे मामले को लगता है कि कोई वजह है इसमें देख पा रहे हैं देरी की, या फिर लगता है कि ये प्रोटोकॉल है, एक प्रक्रिया है? नहीं, अगर डिले हो रहा है तो आर्बिट्रेटर को टाइम चाहिए और इस मैटर को सोचने के लिए और डिसीजन देने के लिए, तो यही मेरे को लगता है यही वजह है इस बात की। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है, जब वो आपको पसंद करता है तब आपकी हर बुराई को भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तब आपकी हर अच्छाई को भूल जाता है।